हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा कि किसी भी संख्या को हम 9 से गुना कर सकते हैं, केवल और केवल 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर। दोस्तों, जब संख्या बड़ी होगी तो हमें 10 सेकंड लग जाएंगे, और यदि संख्या छोटी होगी तो केवल और केवल 5 सेकंड के अंदर हम उसका आंसर निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हरिंदर यादव, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ विद हरिंदर यादव। दोस्तों, हम इस चीज़ को समझेंगे एक एग्जाम्पल के जरिए, और वो एग्जाम्पल है 3, 5, 8, 3 को गुना करेंगे हम 9 से, या मल्टीप्लाई करेंगे 9 से। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें इस 9 को बुला देना होगा। सबसे पहले हम इस संख्या को याद रखेंगे, केवल केवल 5, 3, 5, 8, 3 को। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम लास्ट टर्म को उठाएंगे, जो आखिरी संख्या है उसको उठाएंगे 3। इसका आंसर जो आएगा उसकी लास्ट टर्म यहाँ से निकलेगी हमारे पास, उसका आखिरी संख्या जो है वो यहाँ से निकलेगी। क्या करेंगे हम कि 10 में से इस संख्या को माइनस कर देंगे, आखिरी संख्या को माइनस कर देंगे, तो आंसर जो आएगा वो आएगा 7। फिर अगली संख्या के ऊपर चलते हैं, वो होगी अगली संख्या, क्या करेंगे 9 लेंगे, 9 में से इस संख्या को माइनस कर देंगे 8 को, और इसमें प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे या फिर जोड़ देंगे इस संख्या को, इसके बगल वाली संख्या को जो कि है 3। तो दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा 4। चलिए अगली पे, अगली को भी ऐसे ही करेंगे, 9 में से 5 को माइनस कर देंगे और उसमें जोड़ देंगे क्या 8, उसके बगल वाली संख्या, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। तो 12 को हम ऐसे लिख देंगे। अब इसमें इन दो दो संख्याओं में से हमें ये लेनी होगी, इसको छोड़ देना होगा, इसको अगली संख्या के अंदर जोड़ देंगे। तो अगली संख्या क्या आएगी, सेम वही प्रोसेस अपनाना होगा हमें, फिर से वही करना होगा, 9 में से 3 माइनस होगा और उसके बगल वाला वो उसमें प्लस होगा, यानी ऐड होगा, यानी जोड़ा जाएगा 5। और यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ था एक, उसको भी इसमें जोड़ देंगे 1 को, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 6 और 6 12। फिर से वही करेंगे हम, यहाँ से ये संख्या लेंगे और इसको रिमाइंडर यानी अगली के अंदर जोड़ देंगे। तो अब लास्ट टर्म पे आ गए हम, यहाँ तक हो चुका। अब हमें क्या करना है, आखिरी संख्या कैसे निकलेगी वो देखिए। यहाँ से देखेंगे 3 है ना, इसकी आखिरी संख्या क्या है 3। 3 में से हमें 1 घटाना होगा, आ जाएगा 2, और 2 में यदि यहाँ पे कोई रिमाइंडर बचा है तो वो ऐड हो जाएगा, और यदि नहीं बचा हुआ तो वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर बचा हुआ है तो हम इसमें 1 जोड़ देंगे और इसका आंसर हो जाएगा 3। और अब इसको ऐसे लिख देंगे हम, 7 जो आखिरी संख्या थी इस आंसर की, 7, फिर 4, फिर 2, फिर 2, फिर 3, और ये इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपकी समझ में आ गया हो तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जो कि है 308, और उसको हमें गुणा करना है किससे, 9 से। दोस्तों, इस बार मैं रफ वर्क नहीं करूंगा, जो ये हमें मैंने आपको करके दिखाया है उसको नहीं करूंगा, सीधा आपको एक स्टेप के अंदर करके दिखाऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें करना है 10 में से आखिरी संख्या को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। फिर 9 में से 0 को माइनस करेंगे और उसमें जोड़ देंगे 8, तो आ जाएगा 17। 17 का 7 ले लेंगे और एक अगली संख्या में जोड़ना है हमें, तो 9 में से 3 गए 6 आ जाएगा, और 6 में बगल वाला जोड़ेंगे तो 6, और एक जोड़ेंगे उसमें तो आएगा 7। अब दोस्तों, आखिरी संख्या के लिए हमें क्या करना है, आखिरी अंक देखना होगा जो कि है 3, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, पीछे कोई रिमाइंडर बचा नहीं हुआ तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा इसका 2, यानी इसका आंसर जो होगा 9 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। चलिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, और वो एग्जाम्पल है 5, 6, 4, 9, 3, इसको हमें गुणा करना है 9 से। तो चलिए, इसको भी वही अपनाना होगा, सेम प्रोसेस लगाना है इस पे भी। कैसे करेंगे, 10 में से 3 गए बच गए 7, 9 में से 9 गए 0,
लेकिन बगल वाली संख्या है अभी तो 3। अगले पे चलेंगे, 9 में से 4 गए 5, 5 में 9 ऐड करेंगे 14, तो 14 का 4 और एक जो रिमाइंडर बच गया वो अगली में जोड़ देंगे, तो 9 में से 6 गए 3, 3 और 4 7, 7 और एक रिमाइंडर 8। अब 9 में से 5 गए 4, 4 और 6 10, 10 10, तो 0 और एक अगली में जोड़ना है हमें। अब 5 है, 5 में से घटाएंगे 4 और एक जोड़ना है यानी कि 5, और दोस्तों इसका आंसर होगा ये। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में मैथ विद हरेंद्र यादव में। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।